देखिए वो संगठन के दृष्टि से राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टि से कैसे कैसे लोगों को काम में लगाया जाए विधानसभा चुनाव में सफलता कैसे मिले और किस प्रकार पूरे संगठन को एक साथ उपयोग कर लिया जाए इसका अर्थ यही हुआ नीचे तो साफ है ही ऊपर भी इनके ठीक ठाक नहीं है तो उसको ठीक से संयोजित करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं तो महत्वपूर्ण विंग है वो और, आई और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है फिर भी दाल गलने वाली नहीं नमस्कार मैं हूं मोहन तिवारी आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और जैसा कि हमने आज बताया कि दाल गलेगी कि नहीं गलेगी ये मुख्यमंत्री के बयान से पता चलता है और यही आज हमारी चर्चा का विषय है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना फोकस कर दिया है और उसके दो बड़े दिग्गज नेता लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जिसमें शाह और मनसुख मांडविया की जो जोड़ी है उसने खास तवज्जो दे दी है और आज फिर से उनका जो दौरा हो रहा है उसके पीछे मकसद क्या है और क्यों बीजेपी यहाँ ज्यादा फोकस कर रही है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजू वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय राय जी तो चुनाव आ गए हैं और चुनाव में सब अपनी दाल गलाना चाहते हैं और इसीलिए सब लोग अपनी अपनी ताकत झोंक भी रहे हैं लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है वो चौंकाने वाली है अब तक देखा जाता था कि अमित शाह यानी बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान लेकिन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अचानक उनके फोकस में आ गया और उसके बाद एक महीने में तीसरा दौरा अमित शाह का और उनके साथ उनके खास सिपे सलार माने जाने वाले मनसुख मांडविया को उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ में तैनात कर दिया है क्या हो सकती है इसकी वजह और ये क्यों कर रही है बीजेपी एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले बीजेपी की ओर ही रुख करता हूं अशोक बजाज जी हमारे साथ है बजाज जी आप लोग की स्ट्रेंथ यहाँ अच्छी है पंद्रह साल आप लोग राज किए हैं लंबी चौड़ी लीडरशिप है उसके बावजूद बाहर के नेताओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है अमित शाह का आना मनसुख माडिया मंडाविया को ताकत मिलना क्या बताता है क्या दर्शाता है आप लोग क्या बाहरी नेताओं पर निर्भर हो गए हैं देखिए बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है तिवारी जी अमित शाह जी हमारे माननीय नेता हैं और संगठन के गुड़ अच्छी तरह समझते हैं और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में चुनाव हैं इस दृष्टि से भी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी उनका बहुत यहाँ आवश्यकता है और आज जो लगातार जब आ रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं महीने में तो ये समझिए कि वो छत्तीसगढ़ में पार्टी को और अधिक मजबूत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिले इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ठीक, होगा क्या द, दौरे में वो आते हैं तो करते क्या है बातचीत मतलब एक रात रुकते हैं इस दौरान कई बैठकें होती हैं ये ये क्यों होता है ये रात में आना फिर बैठक करना सुबह चले जाना ये लोकसभा का सत्र चल रहा है और उनको उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अनेक राज्यों की जिम्मेदारियां हैं और शासन स्तर पर भी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री होने के कारण उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है और वो अपना कुछ समय यहाँ के लिए निकाल पा रहे हैं तो ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है उनके आने से निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी और नए जोश के साथ कार्यकर्ता काम में लगेंगे ठीक है तो बड़े नेताओं के आना और उनके मार्गदर्शन का ही एक बड़ा महत्व होता है जिससे राजनीति में अचानक जो है तीव्रता आ जाती है और यही तेजी के लिए बड़े नेताओं का बीजेपी के बड़े नेताओं का आना जारी है कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं अभय राय जी क्या लग रहा है कोई डर की बात तो नहीं है अमित शाह जो उत्तर प्रदेश को जिता चुके हैं बड़े बड़े प्रदेशों का संचालन किए हैं छत्तीसगढ़ में हाथ आजमा रहे हैं आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है मोहन भैया कहीं कोई डर की बात कांग्रेस के अंदर नहीं होती कांग्रेस मैंने कहा कि पहले भी कई अवसरों पर आपके ने मौका दिया है और मैं कहता रहा हूं कि 2018 का चुनाव हम इनके भ्रष्टाचार इनके कमीशन इनके कुशासन और रमन सिंह सरकार के जो तमाम प्रकार के जनता विरोधी कार्य थे उस पर लड़े हम लोगों ने और हमको अच्छी सफलता मिली जनता ने हाथों हाथ लिया अब 2023 का चुनाव जो हम लड़ेंगे अपने पांच साल के कार्यकाल अपनी उपलब्धियां अपनी योजनाएं और छत्तीसगढ़ को जो गढ़वो नमा छत्तीसगढ़ का नारा हमने दिया छत्तीसगढ़ के किसान के चेहरे पे हमने खुशी लाई छत्तीसगढ़ के मजदूर के चेहरे पे हमने खुशी लाई छत्तीसगढ़ के गौठानों में गौ माता की हमने सेवा की जो तमाम योजनाएं हमारी हैं चाहे गोबर खरीदने की हो जैविक खाद बनाने की हो इन तमाम योजनाओं को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है दूसरी तरफ जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी वो छत्तीसगढ़ में संगठन स्तर पर ही कमजोर दिख रही है नंद कुमार साय जैसे नेता जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर स्थानीय नेतृत्व को नकार कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक है कि अमित शाह चिंतित होंगे स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी चिंतित होंगे और उनको समझ में आ गया कि पंद्रह साल की सरकार और ये पांच साल का उन्हीं लोग के हाथ में है जिनको जनता ने नकार दिया था अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो पूरे देश के रणनीतिकार माने जाते हैं अगर वो छत्तीसगढ़ की रणनीति बनाने के लिए भाजपा की रणनीति बनाने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में है नहीं किसी राजनीतिक दल की टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता की हालत रमन सिंह ने सरकार में तो खराब की ही थी संगठन में भी खराब कर दिया है लगातार नेता प्रतिपक्ष बदले गए लगातार प्रदेश के अध्यक्ष बदले गए लगातार प्रभारी बदले गए और अब ये जो दो लोग आ रहे हैं ये अंतिम इनका हथियार है इनसे इनके बाद अब किसी देश के प्रधानमंत्री को लाएंगे तो मेरे को नहीं मालू हिंदुस्तान में तो इनसे बड़ा नेता नहीं है और कांग्रेस का हमेशा आरोप है ये हम दो हमारे दो की पार्टी है हम दो हमारे दो की सरकार है दो खरीदने वाले दो बेचने वाले तो आज ये सपना बेचने आ रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इनके सपने में आने वाले नहीं है अमित शाह से तो हम लोग पूछ रहे हैं कि पंद्रह लाख रुपया कहा गया दो करोड़ रोजगार कहा गया जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने नौ सांसद दिया विधानसभा में जहां कांग्रेस को अड़सठ सीट दी एक साल के अंदर लोकसभा के चुनाव में नौ सांसद भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने दिया ये ये सब तो ठीक नौ साहब की रणनीति से कैसे बचेंगे एक रुपये का काम नहीं कर पाए ठीक है एक ईटा विकास का नहीं रख पाए अमित शाह जी को तो वो बताने आना चाहिए नौ के बदले आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया ठीक है सेकंड राउंड में आएंगे तो और इस पर आगे बातचीत करेंगे अब हम प्रतिक्रिया ले लेते ले हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजू वर्मा जी हैं संजू जी ये बात तो हर राजनीतिक दल को मालूम है कि बीजेपी के खास सिपेसलार और उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है अब वो व्यक्ति जो राजनीति का चाणक्य है देश की राजनीति छोड़ के छत्तीसगढ़ में बार बार समय दे रहा है कुछ तो कारण होगा क्या लगता है आपको क्या कारण हो सकता है छत्तीसगढ़ में फोकस का देखिए तिहारी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अमित शाह को राजनीति का चाणक कहा जाता है पार्टी के अंदर उनके भाजपा के अंदर छत्तीसगढ़ वर्तमान में बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी के प्रायोरिटी में है बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आए और जहां तक बार बार इनके आने का सवाल है तो ये जैसे बजाज जी ने कहा कि तीसरी बार आ रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं तो मेरे को लगता है कि जितने भी इनके अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट हुए हैं जितने भी इन्होंने सर्वे कराए हैं कि वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी कितनी सीट पर जीत सकती है क्या स्थिति है क्या आकलन है क्या हो सकता है मुझे लगता है कि सर्वे के आकलन के बाद स्थानीय नेतृत्व को छोड़ के ये टोटल आला कमान सारा नेतृत्व तो अपने हाथों में ले लिया है और इसी के कारण वो बार बार छत्तीसगढ़ आना चाह रहे हैं ये, इससे भी स्पष्ट इस होता है कि मनसुख मांडविया जैसे लोगों को उन्होंने पूरा यहाँ बिठा के रखा है ओम माथुर जी मनसुख मांडविया जी सारे लोगों को उन्होंने बिठा के रखा है और ये जब भी आते हैं कहते हैं ना कि जब भी आते हैं तो कुछ नया हो करके जाते हैं अमित शाह जी आ रहे हैं तो कुछ नया होगा ये भी आप मान के चलिए और इसके अलावा जब भी वो आते हैं तो किसी न किसी को जिम्मेदारी दे के जाते हैं किसी को चुनावी समिति का जैसे बघेल जी को चुनाव घोषणा पत्र का बना दिया गया है चंद्राकर जी को आरोप पत्र का प्रमुख बनाया गया है तो जैसे इन लोगों को जो जो जिम्मेदारियां दी गई मुझे लगता है कि अमित शाह जी आज जब आएंगे तो इनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेंगे कि आपने क्या किया जो जिम्मेदारियां दी गई उसको क्या किया और वाकई ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है यह इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ पंद्रह साल बीजेपी की सत्ता रही है और बीजेपी एक मजबूत पार्टी रही आज भी उसका काडर बेस गांव-गांव में मजबूत है ऐसा नहीं कि कांग्रेस इकहत्तर सीट पे है अभी वर्तमान में तो बीजेपी खत्म हो गई बीजेपी के आज भी मजबूत जनाधार है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन अभी प्रेजेंट में मुझे लगता है कि बीजेपी की जो अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट हुई है जो छन छन कर हमारे तक भी पहुंचती है उसमें बीजेपी को कमजोर बताया जा रहा है तो इसी दृष्टिगत रहते हुए आला कमान इस पर ज्यादा खासा नजर रख रहा है ताकि हम इसके कुछ कर सके आगे हम इसके कांग्रेस के मुकाबला कर सके ठीक है तो राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में एक साथ चुनाव है लेकिन भूमिका सक्रियता सब कुछ छत्तीसगढ़ में केंद्रित है वजह है छत्तीसगढ़ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे राजनीतिक दल हासिल करना चाहते हैं तो ये सारी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं अब फिर से हम सेकेंड राउंड में चर्चा करेंगे तो बजाज जी से ही शुरुआत करता हूं बजाज जी आप लोग जो रणनीति बना रहे हैं वो क्या अब निर्भरता बढ़ती जा रही है मार्गदर्शक जो आ रहे हैं आप लोगों के उनके हिसाब से पार्टी चल रही है ये मान के चलें क्योंकि आप लोगों के हाथ में बागडोर दे देकर नेतृत्व ने देख लिया कि अट्ठारह में कोई रिजल्ट नहीं आया अब उनके हिसाब से पार्टी चल रही है ये इस टाइप के तोहमत लग रही है इस टाइप के आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर नहीं ये मीडिया का अपना अनुमान है भारतीय जनता पार्टी यहां सक्षम है सक्षम नेतृत्व तो है लेकिन ऊपर के नेताओं का मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा है अभी भी मिलता रहा है, मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा ऊपर का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक पार्टी कैसे चलेगी और बिना हाईकमान के कांग्रेस एक कदम चलती है क्या ये तो आप देख लीजिए किस तरह से कांग्रेस की हालत हो गई है ये इनके यहाँ तो केवल एक परिवार की पार्टी है परिवार के लोग जो आदेश देते हैं उसके हिसाब से इनके सब संगठन तैयार होते हैं उसके हिसाब से मंत्रिमंडल तैयार होता है उसी हिसाब से उप मुख्यमंत्री तैयार होता वही है वही तो आपके भी होने लग गया अब नहीं नहीं, नहीं हमारे यहाँ देखिए मार्गदर्शन लेना जरूरी है उनका अपना अनुभव है चुनाव में कैसे हम नैया पार करें और उन्होंने जो आप जैसे संजीव जी वर्मा जी बोल रहे थे कि कोई फीडबैक गया है तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और अगली बार 300 प्लस लोकसभा सीटें लाने के लिए ये और भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों में जहां अभी चुनाव होने वाले नवंबर में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है और इसलिए केवल छत्तीसगढ़ नहीं।, नहीं जहां जहां पर आवश्यकता है वहां वहां पार्टी के नेता हर जगह जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अभी वहां आए थे मध्य प्रदेश आए थे इसके पहले वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अभी इनके कांग्रेस की युवा नेत्री प्रियंका जी अभी कल कल परसों शायद भोपाल में थी तो सभी नेताओं का प्रवास हो रहा है केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास कर रहे ऐसा नहीं है और अपने अपने नेताओं को कार्यकर्ताओं को हिदायत देना अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा प्रदान करना उनको दिशा निर्देश देना मार्गदर्शन करना ये तो सभी पार्टी में होता है कोई ऐसा नहीं केवल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि निचले स्तर पर तो आप लोग का जो सिस्टम है ध्वस्त हो गया है ऊपर जो लीडरशिप है उसको ठीक करने के लिए ही बार बार ये आना पड़ रहा है अमित शाह को इसीलिए सभा नहीं ले रहे हैं बैठक ले रहे हैं लगातार बैठक रात के बैठक ये जो हो रही है ये लीडरशिप के लिए हो रही है तो ये तो चर्चाएं तो होंगी ना पहले तो आप चर्चा करेंगे जानकारियां लेंगे कहाँ पर हम ज्यादा आगे हैं जहाँ कहाँ पर हम पीछे हैं सारी सीटों का आंकलन होगा सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सबको काम में लगाना चाहिए ये सब बातें होती होंगी मैं तो नहीं जानता अंदर की बात क्या है <laughs> लेकिन सवाल यह है कि एक संगठन के मुखिया के नाते <laughs> उनको सारी जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं <laughs> संगठन का अच्छा अनुभव है उनको चुनाव की रणनीति में बहुत अच्छा अनुभव है और इसीलिए उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए ये हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी चाहते है ठीक है, है। चलिए अभय राय जी ये रही बीजेपी की बात और बीजेपी की ओर से तो अब पत्ते खुल गए हैं कि अमित शाह भी हैं आप लोगों के सामने मनसुख मांडा मनसुख जी भी हैं ऐसे में आप लोग की ओर से कौन रहेगा कौन सामने आएगा कौन इनका मुकाबला करेगा दो दो बड़े महारथियों का देखिए अमित शाह जी और मोदी जी हिमाचल भी गए थे अमित शाह और मोदी जी कर्नाटक भी गए थे अमित शाह और मोदी जी पश्चिम बंगाल भी गए थे और मैं अशोक भैया की बात से सहमत हूँ की हर पार्टी के हाईकमान अपने राज्य इकाई के साथ उस चुनाव में मंत्रणा करता है रणनीति बनाता है कांग्रेस की लीडरशिप तो आप देख रहे हैं शैलजा जी हाँ हमारे प्रभारी हैं मुख्यमंत्री जी हैं नए अध्यक्ष हमारे दीपक बैद जी हैं और राहुल जी प्रियंका जी सोनिया जी खड़गे जी चुनाव के समय लोग आएंगे अभी अशोक बजाज जी ने एक बात कही एक परिवार की पार्टी आप मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार के साथ हैं पंजाब में आप प्रकाश सिंह बादल परिवार के साथ हैं महाराष्ट्र में आप पवार परिवार के साथ हैं आंध्रा में आप चंद्राबाबू नायडू परिवार के साथ हैं बिहार में आप पासवान परिवार के साथ हैं जो अड़तीस दल का कुनबा है उसमें छत्तीस तो परिवार के लोग हैं एक परिवार के लोग एक पार्टी को चला रहे हैं तो आप कांग्रेस पे आरोप पत लगाइए आप अपने गरेबे में भी झाक के देखिए आपकी स्थिति क्या हमारा तो नेतृत्व तो है ठीक है हमारा तो राष्ट्रीय क्या रणनीति है शाह जब आएंगे उनकी काम करने की शैली अलग है तोड़फोड़ की राजनीति में भी विश्वास रखते हैं वो तो पूरा जब आ रहे हैं तो असला गोला बारूद लेके आ रहे हैं उसका बचाव आप लोग कैसे करेंगे बिल्कुल शाहजी के आने के पहले आई भी सक्रिय है ईडी भी सक्रिय है और ईडी का तो ये हालत हो गई है कि उन्हीं घरों में बार बार छापा मार रही है जहां पहले भी छापा मार चुकी है और खाली हाथ जा चुकी है तो किस तरह का षड्यंत्र और किस तरह की अफवाहें निकलेंगी वो तो जाने के बाद समझ में आएगा लेकिन वो आए अपने संगठन को मजबूत करें और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने जब तेईस में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जाएगी कांग्रेस अपने पांच साल के विकास कार्यों को लेकर जाएगी और पंद्रह साल के रमन साल के को याद दिलाएगी वही केंद्र सरकार की महंगाई केंद्र सरकार की बेरोजगारी केंद्र सरकार की गलत कृषि नीति केंद्र सरकार की गलत मजदूर नीति पेंशन योजना जो नई पेंशन योजना हम तमाम प्रकार की केंद्र की असफलता और अपनी सफलता को लेके जाएंगे लेकिन इनके षड्यंत्रों और अफवाहों से हम लड़ना भी जानते हैं और बचना भी जानते हैं अगर अमित शाह इन षडंत्र को करने के लिए जाने जाते हैं तो भूपेश है, मेरा यही था बजाज जी अमित शाह आते हैं उसके पहले ये सारी चीजें होती है कार्रवाइया होती है छापेमारी होती है ये संयोग है या प्रयोग है नहीं नहीं इसको अमित शाह जी के दौरे से ईडी और आ, आई आई को मत जोड़िए उनकी अलग प्रक्रिया है उनके जांच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ईडी अपना काम कर रही है ये स्वतंत्र इकाई है इसमें कोई अमित शाह जी सीधे उसमें आक्षेप करते होंगे ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं और उनका दौरा जो हो रहा है आप खुद मान रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि संगठन को दिशा देने के लिए आ रहे हैं आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ करने की उनको यहाँ आने की जरूरत है क्या इस मामले में चूंकि आईटी और आईईडी अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य कर रही है उसका इन प्रवास से कोई लेना देना नहीं है कह रहे हैं देखिए और आ, कोई राजनीति उद्देश्यों को से नहीं हो रहा है सब ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बैठे बैठे बाहर से षडयंत्र कर सकते हैं बता रहे नहीं नहीं देखिए जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है पूरे देश में उसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं ये बात उन्होंने कही है तो ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो ही, जो संविधान वो भ्रष्टाचार कर रही है अमित शाह जी के दौरे से इसको मत जोड़िए ईडी e. अपना काम कर रही है वो स्वतंत्र इकाई है उसका इस दौरे से कोई लेना देना नहीं है माननीय अमित शाह जी का दौरा संगठनात्मक है संगठन के काम के लिए आए संगठन को दिशा निर्देश कर देने के लिए आए हम सबका मार्गदर्शन करने आए और इस छत्तीसगढ़ को कुशासन से बचाना हमारे हाईकमान का पहला उद्देश्य है जिस तरह से आज देख लीजिए छत्तीसगढ़ की हालत इन्होंने कर दी साढ़े चार वर्षो में छत्तीसगढ़ की क्या हालत हो गई है जगह जगह चाकूबाजी हो रही है कहीं लूट हो रही है कहीं तोड़ फोड़ हो रही है लोगों को निर्वस्त्र होकर घूमने की मजबूरी हो गई है तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में आ गई है छत्तीसगढ़ को ये बनाना चाहते हैं नवा आप बनाना चाहते छत्तीसगढ़ को हमने कितना सुंदर बना दिया था मणिपुर के बारे में आगे उतार दिए छत्तीसगढ़ की हालत क्या हो गई आज कितनी, की कितनी देख देख रहा है। आप देख लीजिए जा रही आप देख लीजिए कि किस तरह से ऐसी नौजवान सड़क पे आ गए किसान सड़क पे आ गए मणिपुर की हालत है, असंतोष है हर वर्ग मणिपुर संतुष्ट है इस सरकार के आपने ढंग से आप देख लीजिए अब रोज रहे में किसी का जान सुरक्षित नहीं है आदमी अपने सुख चैन से नहीं रह सकता तो फिर ऐसे राज्य को राजनीति का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है इसलिए नहीं बनाया कि हम यहाँ सुरक्षित रहें इसलिए बनाया है कि हम विकास करें जागरूक हों और ले, लेकिन जब हम पंगता है उत्थान और छत्तीसगढ़ का बजाज जी लेकिन जब बड़े नेता आएंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे तो उनको उन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर घेरा जाएगा उन सवालों के जवाब भी आप लोग को देने होंगे ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर आप लोग जो फोकस रखना चाहते हैं उसमें कहीं पिछड़ नहीं जाएंगे आप लोग फोकस बड़े मुद्दों पर हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्दों पर हो जाएगा नहीं नहीं सब मुद्दे स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे चुनाव में और राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे सारे मुद्दे काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में तो हर मुद्दा ज्वलंत हो रहा है वर्मा जी चाहे है। इनका गोबर का मुद्दा हो चाहे इनका पीएससी का घोटाला हो चाहे और भी तो इस इस संबंध में बात करते हैं क्या अमित शाह इस इ, इ, उनकी क्या बातचीत होती है मध्य प्रदेश पटवारी घोटाला हुआ है ठीक है ठीक है चलिए ये 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 प्रसन्न सा बना हुआ है कि अमित शाह और ईडी आईटी के छापे एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं संजीव वर्मा जी से इस पर टिप्पणी ले लेते हैं वर्मा जी कांग्रेस भाजपा में जब इस तरीके की रणनीतियों की बात होती है तो ये बात भी आती है कि जो कार्रवाइया हो रही है हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है कौन सही है कौन गलत है इसके सच सामने आने में टाइम लगेगा लेकिन इसके इसे राजनीति से भी जोड़ा जाता है इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है क्या जी बिल्कुल 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 इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और बहुत दिन से है बिल्कुल सब बोलते हैं सब कहते हैं और दिख भी रहा है पॉलिटिकल इम्पैक्ट जब, जब जैसे बोला जाता है कि अभी आप चर्चा हो रही थी कि जब जब अमित शाह जी आते हैं तब तब ईडी आई के छापा पड़ते हैं मैं ऐसा नहीं मानता कि उसके आने से ही छापे पड़ रहे छापे बहुत पहले से पड़ रहे हैं और चुन चुन के पड़ रहे हैं जुनिंदा लोगों के यहाँ आई ए कैसे ऐसे लोगों के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ कल छापे पड़े आज एक आई को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये एक प्रक्रिया है उनकी आईडी एडीआईटी और ये सच है कि पूरे देश में जहां जहां विपक्षी पार्टियों के हैं वहां सरकार है वहां वहां आईडी के छापे एटीआईटी तो फायदा होगा होगा कि नुकसान इससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अगर हम संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको स्वीकार नहीं करती इटीआईटी से वो हटके उनको इससे कोई लेना देना नहीं छत्तीसगढ़ गांव गरीब के एक प्रदेश है यहाँ की जनता जो है गांव में निश्वास करते और उनको क्या चाहिए उनको इकोनॉमी छत्तीसगढ़ की मजबूत हो उनको दो रोज उनकी रोजी रोटी मिले ये वो चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार कर रही सरकार वो अलग मुद्दा है भ्रष्टाचार लेकिन वो ये नहीं चाहती छत्तीसगढ़ की जनता कि हमारे ऊपर सीधा इफेक्ट पड़े ये जो है ईडीआईटी वो एक पोलिटिकल वो समझ रहे कि पोलिटिकल मामला है क्योंकि चुन चुन के हो रहा है आज तक देखिए आप पंद्रह साल रमन सिंह की सरकार रही चार साढ़े चार भूपेश बघेल की सरकार है इस दौरान क्या किसी भाजपा नेता के यहाँ ईडीआईटी का छापा पड़ा है कौन से भाजपा के नेता अभी दूध के धूले हैं मेरा तो मानना है कि मैं एक पत्रकार कैसे बोलता हूँ सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी में वो तत्व है जो भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन है। अगर धुआं है तो आग भी होगी बिल्कुल, पीछे बिल्कुल। आया है ए, तो खाली हाथ जाने के लिए जी, जी बिल्कुल है। वही तो बोल रहा हूँ ना दोनों पार्टी में है आग लगेगी तो धुआं तो धुआं निकलेगी तो आग तो लगी होगी ना बिल्कुल ये सच है जी इस तरीके के आरोपों का सामना करना पड़ेगा चुनाव में आप लोगों को की आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं फंसाने की साजिश है देखिए रकम जब्त हो रहे हैं सोना चांदी गहने जब्त हो रहे हैं जमीन के कागजात सामने आ रहे हैं अदालत में जा रहे हैं बार 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 इनके जमानत नहीं हो रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहे के लिए नुकसान होगा कहे के लिए कांग्रेस के इसका फायदा होगा अगर भ्रष्टाचार करके कांग्रेस अपना फायदा देखती है तो देखे लेकिन जनता इस भ्रष्टाचार से परेशान है और जनता को मालूम है कि हमारे हिस्से का जो पैसा है जनता के हित में जो लगना चाहिए उस पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है और जनता को शराब पिला कर घर पहुंच सेवा करके जिस तरह से जनता के माली हालत को जर्जर -जर किया जा रहा है ये जनता समझ रही है जागरूक नागरिक समझ रहे हैं है। और अपने विवेक से इस बार फैसला लेंगे दो हजार ठीक है मैं बदल वो छत्तीसगढ़ का नारा नया नारा नए ने, ने, नेता और शाह और मनसुख की जोड़ी क्या कहेंगे अभय जी ये जोड़ी मोदी और शाह के भी देख चुके हैं मनसुख और शाह को भी देखेंगे माथुर तो यहाँ घूम ही रहे हैं। तो इन जोड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये जोड़ी हिंदुस्तान को नफरत की दुकान में बदल रही है ये जोड़ी विपक्षी पार्टी के शासन को षडयत्रों से खत्म करने काम चल रही है अभी अशोक भैया बहुत बात कर रहे थे कि छापे पड़े सोना गहना वो अजीत पवार वो प्रफुल पटेल मंत्री बनते क्या हो गए आपकी पार्टी के बाद आने के बाद हो गए क्या गंगा जल से स्नान हो गया उनका तो आप जितने छापे ईडी के इस देश में पड़े अस्सी परसेंट छापे कांग्रेस शासित प्रदेशों में विपक्षी शासित प्रदेशों में पड़ रहे हैं तो पूरी जनता देख रही है वर्मा जी ने निश्चित रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ बारीकी से देख रही है कि एक किसान किसान को समर्थन करने वाली सरकार मजदूर को समर्थन करने वाली सरकार एक छत्तीसगढ़िया किसान के बेटे की सरकार कांग्रेस की सरकार को किस तरह प्रताड़ित करने काम कर जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी अब तेरह के लायक भी नहीं रहेगी ठीक है दो वन से नीचे उसकी संख्या आएगी ये जनता तय करेगी कांग्रेस दावा करेंगे क्या, क्या? साज, बजाज जी आपका क्या दावा ये तो बता रहे हैं कि ये, ये आ, दो के नीचे करेंगे करेंगे हो, जाएंगे के, हो जाएंगे आप लोग आपका इतने इतने क्या दावा लोगो है खरीदेंगे और कितने मुगालते में रहिए इसी तरह से हमें हमें खुशी होगी लेकिन भारतीय जनता में भरोसा है कन्फर्मी के साथ आ रही है क्या बोल रहे आपके मंत्रियों आपके विधायकों अब आपके अफसरों से जनता हलाकान हो गई है परेशान हो गई है और अब बदलने के मूड में आ गई है आप देख लीजिए कि किस तरह से तो जनता जनार्दन तो परेशान है आज है आप तो वर्मी कम्पोस्ट की बात तो कर रहे हैं तो है। ये अमानक फर्जी कम्पोस्ट जबरदस्ती दिया जा रहा है नौ सौ रुपया प्रति एकड़ किसानों के जेब कतरी हो रही है hmm. तो ये ज, ये जो अन्याय कर रहे हैं आप hmm. है ना एक तरफ आप खाद बन रहा है विरोध के लिए चलिए आज 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 मुद्दे जाएंगे आज आज शाह के दौरे पर है और जानकारी आ रही है कि शाह जी पहुँच चुके हैं से बनता है ठीक है चलिए शाह के दौरे पर आज हम केंद्रित रहते हैं समय समय कम है इसलिए इस चर्चा में ज्यादा चर्चा और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे लेकिन सारी बातों को हमने छूने की कोशिश की है कि शाह के दौरे के पीछे मकसद क्या है क्या रणनीति बीजेपी की हो सकती है फिलहाल इस चर्चा में इतना ही हमारे साथ बजाज जी जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद संजू वर्मा जी रहे हमारे साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभय राय जी थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर चर्चा को खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी ट्वेंटी मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार शह और मात का घात और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा कौन है प्यादा कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा टीवी ट्वेंटी मैं मिट्टी से बना हूँ मुझे माटी का कर्ज चुकाना है कुछ सपने सच हो रहे हैं कुछ को सच बनाना है कुछ वादे थे निभा दिए मैंने कुछ और है जिन्हें निभाना है युवा है जो साथ साथ चलते हैं मुझे इनका भी साथ निभाना है तरुणाई में जोश है वे बदल सकते हैं अपनी तकदीर सवार सकते हैं राज्य की तस्वीर अपने बल पर युवा गढ़ सकते हैं प्रदेश अपने बल पर बना सकते हैं उन्नत देश मुझे उनके साथ चलना है उनसे कुछ कहना सुनना है जमाना बदल रहा है उनके नजरिए से देखना है कहने को है बहुत सी बात आ रहा हूं करने भेंट मुलाकात